नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों पर स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे तथा खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारी आने वाली वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। स्वागत है आपका हमारी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 की इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत भाग 3 में संकलित अध्याय 10, जिसका शीर्षक है स्वतंत्रता के बाद। बच्चों, उम्मीद है कि हमारी यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक एवं लाभकारी होगी तथा जैसा कि अध्याय के शीर्षक से ही विदित है कि हम इसमें भारत के स्वतंत्रता के बाद की परिस्थितियों की चर्चा करेंगे। बच्चों, हमारा यह अध्याय आपको 2 पार्ट में प्राप्त होगा। इसमें 2 वीडियो बनेंगी। पहली वीडियो में हम भारत को एक खंडित राष्ट्र के रूप में तथा भारतीय संविधान के बनने की परिस्थितियाँ एवं उसकी विशेषताएं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का अध्याय, एक नया और खंडित राष्ट्र। बच्चों, क्या आप जानते हो कि जब हम अगस्त 1947 में आज़ाद हुए, इसके पीछे कितनी कुर्बानियां दी गई और हमें जितनी खुशी आज़ादी की थी, उसके साथ साथ हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां भी थी। बंटवारे की वजह से भारत और पाकिस्तान में जो लोग आपस में जो धार्मिक दंगे फैलने की वजह से शरणार्थी के रूप में शरण ले रहे थे, उनकी संख्या लाखों में थी। लगभग 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम करना और उन्हें रोजगार देना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके साथ साथ अंग्रेजों ने जाते जाते भारत में जो लगभग 500 के आसपास देसी रियासतें थी, उन्हें यह आज़ादी दे दी थी कि वो चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या वो भारत में रहें, या अपना अलग देश बना लें। यह बहुत बड़ी चुनौती थी। ये देसी रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजमी था। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सके। बच्चों, 1947 में भारत की आबादी काफी बड़ी थी, तकरीबन 34.5 करोड़। यह आबादी भी आपस में बंटी हुई थी। इसमें ऊंची जाति और नीची जाति, बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय थे। इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके पहनावों में भारी फर्क था। उनके खान पान और काम धंधों में भारी विविधता थी। इतनी विविधता वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता था, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एकता की समस्या के साथ ही विकास की भी एक बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गाँव में रहती थी। आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर करते थे। यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की थी। अगर फसल चौपट हो जाती तो नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था। शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे, जहां शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण भी करना था जहां लोगों को रोजगार मिल सके। एकता और विकास की प्रक्रियाओं को साथ साथ चलना था। अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर न किया जाता तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप ले सकते थे। लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ सकते थे। बच्चों, कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के बीच, कहीं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी और वजह से तनाव की आशंका बनी हुई थी। दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते हैं तो और ज्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था। ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फर्क पैदा हो सकता था। बच्चों, क्या आप जानते हो कि इन सभी चुनौतियों के शांतिपूर्वक एवं
स्थायी समाधान के लिए हमें एक लिखित संविधान की जरूरत थी। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। यद्यपि इस संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे और वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। बच्चों, हमारा संविधान दुनिया में अनोखा है। देश में रहने वाली जनसंख्या में इतनी अधिक विविधता को ध्यान में रखकर बनाए गए अपने इस संविधान की विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे संविधान की पहली विशेषता यह है कि इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से अभिप्राय सभी वयस्क नागरिकों को मत देने के अधिकार से है। शुरू में यह 21 साल से ज्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय एवं राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार था, परंतु बाद में इसे परिवर्तित करके 18 साल कर दिया गया। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। बच्चों, यहाँ तक कि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को भी यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में ही दिया गया था। वहाँ सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला, इसके बाद शिक्षित पुरुषों को मताधिकार दिया गया, मजदूर पुरुषों को काफी लंबे संघर्ष के बाद यह अधिकार मिला था, महिलाओं को सबसे अंत में मताधिकार दिया गया, वह भी लंबे जुझारू संघर्ष के बाद। इसके विपरीत भारत में आजादी के कुछ ही समय बाद यह फैसला ले लिया गया था कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को यह अधिकार दिया जाएगा, भले ही वे अमीर हों या गरीब, पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों। बच्चों, संविधान की दूसरी विशेषता यह थी कि उसमें तमाम जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया। भारत के कुछ हिंदू कट्टरपंथी लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन एक खास समुदाय मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और ना ही बनना चाहिए। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाइयों की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी, जैन तथा अन्य धर्मों के लोग भी थे। नए संविधान में इन सभी समुदायों के लोगों को भी वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे, चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो। इन सभी समुदायों के लोगों को भी वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। आप यहाँ चित्र में संविधान के उद्देश्यों पर रोशनी डालने वाले प्रस्ताव को पढ़ते हुए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को देख सकते हैं। हमारे संविधान की तीसरी विशेषता यह है कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जाति के लोग ही जाते थे, लेकिन अब उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था, अब वे भी मंदिरों में जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह भी तय किया कि विधायिका यानी संसद की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाए। बच्चों, भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और उनके साथ भी भेदभाव किया गया था। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से वंचित थे। उनकी जमीन और जंगलों पर समुदाय के बाहर के ताकतवर लोगों ने कब्जा कर लिया था। संविधान से उन्हें जो नए अधिकार मिले, उनका उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाने का था। बच्चों, हमारे संविधान की चौथी विशेषता केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को लेकर किए गए शक्तियों एवं अधिकारों के बंटवारे से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में संघात्मक शासन प्रणाली है,
यहाँ पर मूल रूप से दो सरकारें, केंद्र सरकार व राज्य सरकारें कार्यरत हैं। तो बच्चों, इन सबके अधिकारों व कर्तव्यों में कोई मतभेद ना हो, इसके लिए संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबी चर्चा की थी। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तो तभी वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों को ज्यादा स्वायत्तता और आजादी मिलनी चाहिए। मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। इसी में मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशल क्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए। इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान सभा ने पूरे देश के कार्यकलापों को विषयों में सूचीबद्ध किया तथा फिर यह निर्धारित किया कि कौन सा विषय राष्ट्र कल्याण का है तथा कौन सा विषय क्षेत्रीय कल्याण का है तथा कौन सा विषय क्षेत्रीय या प्रांतीय स्तर का है। तब संविधान सभा ने इन विभिन्न विषयों को तीन सूचियों में बांट दिया। पहली सूची केंद्रीय सूची, दूसरी सूची राज्य सूची और तीसरी सूची समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में केंद्र से संबंधित जितने भी मामले थे उन सभी का प्रावधान किया गया, जैसे कि कराधान, रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे और बैंकिंग व्यवस्था आदि। ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय लिए गए जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी। समवर्ती सूची में वन एवं कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे। बच्चों, भारतीय संविधान की पांचवी विशेषता में हम भाषा की संक्षिप्त चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे देश के अंदर विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं तथा कोई भी एक भाषा पूर्ण बहुमत में नहीं है। ऐसे में किसी एक भाषा के पक्ष में जाना मतलब देश को भारी संकट में डालने के बराबर था, परंतु हमारे संविधान निर्माताओं ने इसका भी समाधान निकाला। संविधान सभा में भाषा के सवाल पर बड़ी तीखी बहस हुई। बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर देना चाहिए। उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह है हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोल सकते थे उनकी राय अलग थी। संविधान सभा में बोलते हुए टीटी कृष्णमाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से एक चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाला गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला लिया गया। बच्चों, इस प्रकार से आपको अंदाजा लग गया होगा कि हमारे देश के संविधान निर्माताओं की कुशलता व बुद्धि प्रवीणता के चलते उन्होंने गागर में सागर भर दिया। बच्चों, संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जिनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया था। संविधान सभा के सामने अपने आखिरी भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीर गरीब या ऊंची और नीची जातियों का फासला अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। यहाँ चित्र में आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को देख सकते हैं। इन्हें प्यार से लोग बाबा साहेब के नाम से पुकारते थे। वह एक मराठी भाषी दलित जाने माने वकील थे और अर्थशास्त्री थे। उन्हें दलितों का एक महान नेता और भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। उन्होंने कहा था कि नए संविधान के साथ भारत अंतर विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक एवं आर्थिक संरचना के फल स्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। बच्चों, आज़ादी के बाद भारत की एक बहुत बड़ी चुनौती जो थी
वो थी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। यदि आप यहाँ पर दिए गए इन तीन मानचित्रों पर नज़र डालें तो आपको मानचित्र क में दो तरह का भारत दिखाई दे रहा है, जिसमें एक देसी रियासतें व ब्रिटिश भारत, दोनों में कोई भी एक भाषाई आधार नहीं है तथा राज्यों या रियासतों में बहुभाषी लोग निवास करते थे। आप यहाँ मानचित्र क में देखिए, ये 14 अगस्त 1947 से पहले भारतीय प्रांत एवं रियासतें यहाँ पर दिखाई गई हैं। रियासतों में आप उत्तर में गिलगित, जम्मू और कश्मीर की रियासत को देख सकते हो और पश्चिम में राजपूताना, बलूचिस्तान राज्य, दक्षिण में आप मैसूर, हैदराबाद और पूर्व की तरफ आप त्रिपुरा, मणिपुर जैसी रियासतों को देख सकते हो। इसी प्रकार से यहाँ पर आप ब्रिटिश भारत के तहत पंजाब प्रांत को देख सकते हो, संयुक्त प्रांत, केंद्रीय प्रांत, बंगाल, मद्रास व बम्बई और सिंध को देख सकते हो। बच्चों, मानचित्र ख पर नज़र डालिए, आपको यहाँ पर 1 नवंबर 1956 से पहले भारतीय राज्य जिनका भाषाई आधार पर गठन किया गया था ये नज़र आएंगे। आप इनमें कुछ अभी भी भूतपूर्व रियासतें देख सकते हैं, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान, अजमेर, मेवाड़, सौराष्ट्र, हैदराबाद, मैसूर, मणिपुर और उत्तर पूर्व सीमांत। ये भूतपूर्व रियासतों से अभिप्राय है कि जब रियासतों के शासक भारत अथवा पाकिस्तान से जुड़ने के लिए मान गए या हार गए तो उनकी रियासतें खत्म हो गई, परंतु 31 अक्टूबर 1956 तक कई ऐसी रियासतों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा गया, इसलिए इन्हें 1947 से 31 अक्टूबर 1956 तक भूतपूर्व रियासत कहा गया है। मानचित्र ग में देखिए, यहाँ पर भी आपको ये 2020 का मानचित्र है जिसमें आप भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों को देख सकते हैं। आखिर भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? बात 1920 के दशक में जब स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उस समय की है। इस पार्टी ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आजाद हो जाएगा प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग अलग प्रांत होगा। आजादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर पहले ही 1947 में बंट चुका था। इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि दो राष्ट्रों को मिल रही थी। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक थी कि क्या हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के और बंटवारे झेल सकता था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा था कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए, वरना जैसा कि पटेल ने कहा, इस समय भारत की पहली और आखिरी जरूरत यह है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यही कसौटी भाषाई प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में यह मांग, इसके लिए हम समर्थन नहीं दे सकते, क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वायदे से पीछे हट रहे थे, इसीलिए जगह जगह असंतोष पैदा हुआ। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी सभी अपने अपने राज्य के इंतजार में थे। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेजिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में दिखाई दिया। जब 1952 के आम चुनावों में नेहरू वहां चुनाव प्रचार के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए। उसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी पोटी श्री राम मुल्लू तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, बहुत सारे लोग श्री रामुल्लू के समर्थन में आने लगे, जगह जगह हड़ताल करने लगे और जुलूस निकालने लगे। यहाँ आप तस्वीर में गांधीवादी नेता पोटी श्री रामुल्लू को देख सकते हैं। 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोटी श्री रामुल्लू का देहांत हो गया।
जैसा कि अखबार ने लिखा था, शिरुमल्लू के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिरकार यह मांग माननी पड़ी। इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। बच्चों, आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदाय भी अपने अपने अलग राज्यों की मांग करने लगे। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिए गए। कुछ समय बाद 1960 में बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषा दो अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। पंजाब में पंजाबी भाषियों, जिनमें से ज़्यादातर सिख थे, और हरियाणा में हरियाणवी व हिंदी बोलने वालों की बहुतायत थी। बच्चों, इसी प्रकार के विभाजन आपको बाद में भी आज तक देखने को मिलेंगे। आज के मानचित्र ग की सहायता से आप तुलना करें तथा स्वयं कोशिश करें कि आज स्थिति क्या है। बच्चों, क्या आप जानते हो कि यदि 1956 में सरकार यह कदम ना उठाती तो हमारे देश में भी श्रीलंका व पाकिस्तान, जो बिल्कुल हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे हालात पैदा हो सकते थे। हमें अपने इन पड़ोसी देशों के हालात के बारे में भी जानना अति आवश्यक है। इन देशों में भाषाई आधार पर हुए घटनाक्रम को आओ थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहां की सरकारों ने भाषा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर क्या गलती कर डाली थी। बात 1956 की है, जिस समय भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था। उसी समय श्रीलंका, तत्कालीन नाम सिलोन, वहां की संसद ने एक कानून पारित करके बहुल भाषी समुदाय की भाषा सिंहला भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दे दिया। इस कानून के जरिए सिंहला भाषा को सभी सरकारी स्कूल, कॉलेजों, सरकारी परीक्षाओं और अदालतों की भाषा बना दिया गया। श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने इस कानून का विरोध किया। एक तमिल सांसद ने कहा कि जब आप मुझसे मेरी भाषा छीन लेते हैं तो आप मेरा सब कुछ मुझसे छीन लेते हैं। एक और नेता ने चेतावनी दी, आप सिलोन को बांटना चाहते हैं, निश्चिंत रहिए, मैं आश्वासन देता हूं कि आपको एक विभाजित सिलोन ही मिलेगा। सिंहला भाषी एक विपक्षी सदस्य ने कहा था कि अगर सरकार अपना रुख नहीं बदलती है और इस कानून पर अड़ी रहती है तो इस छोटे से देश में से दो टूटे फूटे रक्त रंजित देश भी पैदा हो सकते हैं। बच्चों, आप जानते हो कि श्रीलंका में कई दशकों तक गृह युद्ध चलता रहा, जो इसी कारण पैदा हुआ कि वहां के तमिल भाषी अल्पसंख्यकों पर सिंहला भाषा थोपी जा रही थी। और दूसरी तरफ यदि हम पाकिस्तान को देखें तो वहां पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। पाकिस्तान भी इसीलिए दो टुकड़ों में बंट गया था क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के बंगला भाषी लोगों को लगता था कि पाकिस्तान में उनकी भाषा को दबाया जा रहा है। इसके विपरीत भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में कायम रहा है, कुछ हद तक इसलिए कि यहां बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं को फलने फूलने का मौका दिया गया। अगर हिंदी को उसी तरह दक्षिण भारत पर थोप दिया जाता जिस तरह पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू या उत्तरी श्रीलंका पर सिंहला भाषा को थोपा गया था तो शायद भारत भी गृह युद्धों में उलझकर बिखर जाता। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए भाषाई राज्यों ने भारत की एकता के लिए कभी खतरा पैदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस एकता को और गहराई दी है। इससे पता चलता है कि जब एक बार अपनी भाषा के दबने का भय खत्म हो जाता है तो विभिन्न भाषाई समूह एक विशाल राष्ट्र के अंग के रूप में सहज आगे बढ़ने लगते हैं। तो बच्चों, हमारे नेताओं ने ये निर्णय बहुत ही समझदारी से लिया था। तो चलिए बच्चों, हम अपने इस अध्याय के यहाँ तक किए गए अर्जित ज्ञान के आधार पर कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। रिक्त स्थान भरिए। हमारे संविधान में शुरुआत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत रिक्त स्थान साल से ज़्यादा उम्र के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार था, परंतु अब यह 18 वर्ष है। इसका उत्तर है 21। अगला प्रश्न, सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा रिक्त स्थान
और रिक्त स्थान के लिए आरक्षित किया गया है? इसका उत्तर है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। अगला प्रश्न, संविधान के विभिन्न विषयों को रिक्त स्थान सूचियों में बांट दिया गया, 3 सूचियों में। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग ने रिक्त स्थान में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी 1956 में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूची में रिक्त स्थान और रिक्त स्थान विषय रखे गए थे? इसका उत्तर है बच्चों, कराधान, रक्षा, विदेशी मामले। अगला प्रश्न, समवर्ती सूची में रिक्त स्थान और रिक्त स्थान विषय रखे गए थे? इसका उत्तर है वन और कृषि। रिक्त स्थान की मृत्यु से इतना जबरदस्त आंदोलन पैदा हुआ कि सरकार को आंध्र भाषी राज्य के गठन की मांग को मानना पड़ा। बच्चों, इसका उत्तर है पोटी श्रीरामुल्लू। इन प्रश्नों के उत्तर में आपको सही और गलत बताना है। पहला प्रश्न, आजादी के समय ज्यादातर भारतीय गांव में रहते थे। इसका उत्तर है सही, क्योंकि शहरी आबादी बहुत कम थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। इसका उत्तर है गलत, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, परंतु यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान सभा कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से मिलकर बनी थी। उत्तर है गलत, संविधान सभा में देश की विभिन्न पार्टियों और रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के पक्ष में थे। उत्तर है गलत, दोनों इस नीति के विरोधी थे। बच्चों, आपने यहाँ पर यह जाना कि भारत जिस समय आज़ाद हुआ तो किस प्रकार से उसका विभाजन कर दिया गया, तथा विभाजन के चलते जो भी समस्याएं सामने आई आपने उनको यहाँ पर अच्छे से जाना। आपने यह भी देखा कि सरकार ने किस प्रकार से अपने विकास के पथ को प्राप्त किया, और हमारे संविधान की आपने विशेषताओं को भी यहाँ पर अच्छे प्रकार से जाना कि इतनी विभिन्नताएं या विविधताएं होते हुए भी भारतीय संविधान ने किस प्रकार से पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधा हुआ है। और आपने यह भी जाना कि किस प्रकार से भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन एक प्रकार से हमारे देश में राष्ट्रवाद को एक नया रूप देता है। बच्चों, हमारी इस अध्याय के बाकी बिंदु जो कि विकास यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं के तहत विकास के पथ और हमारी विदेश नीति जिसमें हम गुटनिरपेक्षता तथा आज के भारत की अपने उस समय आज़ादी के समय के भारत के साथ की तुलना का हम अपनी आने वाली वीडियो में जिक्र करेंगे। हमारी आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।